है ठीक है है। अरे क्या चीज़ का चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे फ्रेंड्स देख सकते हैं अवेरी में भी ब्रीडिंग हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं बगान पे आ गया हूँ, मतलब अवेरी में आ गया हूँ अपने, ठीक है। और इतना भयानक गर्मी इस बार पड़ा है कि क्या बोलूँ, मतलब हम लोग परेशान हो जा रहे हैं घर में, तो बर्ड फ्लू का क्या हालत होगा। इसीलिए अभी गर्मी का हम लोग मतलब प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दिए, कुछ दिन पहले से ये सारा चीज़ लग गया। देखिए बोरा यहाँ से एकदम वहाँ तक लास्ट तक ब्रीडिंग सेटअप का एंड तक लगा दिए हैं। इसमें क्या होगा, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें अगर हम लोग पानी मार देते हैं ना सुबह का टाइम, पानी अगर इस पानी से भिंगा देते तो अंदर बहुत अच्छा से हवा जाता, मतलब जो हवा जाता है वो ठंडा हवा जाता है, गर्म हवा जो बह रहा है ये एकदम ही नहीं जाता, पूरा पूरी ठंडा हवा अंदर पहुँचता है। तो इसी तरह ऊपर भी, मतलब ब्रीडिंग सेटअप के जो ऊपर है कुछ सारी है, इधर का जो है वो हम लोग बिचाली से कवर किए थे, मतलब उसके ऊपर बिचाली दिए थे, उसके ऊपर ग्रीन नेट दिए थे, ठीक है। और अभी इधर थोड़ा सा कुछ जगह बाकी था, और आगे साइड मतलब इस साइड में थोड़ा सा कुछ जगह बाकी था, तो इस साइड हम लोगों ने अभी थर्मोकॉल जो होता है ना, थर्मोकॉल वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखेंगे दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कि थर्मोकॉल ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है या फिर बिचाली ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और इस देखिए अभी हम लोग का बगान का, हम लोग का गार्डन का मैंगो देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हो चुका है, और पूरा गाछ एकदम भरा हुआ मैंगो से, ठीक है। अब एक बार दिखाते बैक कैमरा करके, देखिए बहुत ही ज़्यादा आम मतलब मैंगो इस बार हुआ है, बर्ड्स को तो काफ़ी अच्छा से इस बार मैंगो खाने मिलेगा, और यहीं से सारे आम जब पकेंगे तब हम लोग भी खाएंगे और बर्ड्स लोग भी खाएंगे। और अभी रोहित जो है ऊपर ग्रीन नेट लगाने का काम कर रहा है एवेरी के ऊपर, तो दिखाते वो भी एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते फ्रेंड्स एवेरी पूरा हरा भरा हो चुका है, रोहित इधर देखिए नेट लगा रहा है ऊपर से। देखिए फ्रेंड्स एवेरी में धूप आने का पूरा पूरी जगह हम लोग पूरा कवर अप कर चुके हैं, ये आधा पूरा कवर हो गया है, ठीक है। और बाकी जो बच रहा है वो साइड थोड़ा सा ये भी अभी कवर हो रहा, बस ये ऊपर कवर कर देंगे, और इधर साइड तो एक पेड़ है, बाकी इधर छोटा छोटा कुछ सारे हम लोग को पेड़ हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ लगाने के लिए। तो और इधर साइड थोड़ा सा बोरा दे दिए हैं, और इधर साइड थोड़ा सा बोरा दे दिए हैं, अभी इससे मोटा मोटी गर्मी पार हो जाएगा। अभी देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं बर्ड्स के लिए गर्मी में, और क्या क्या अच्छा अच्छा बंदोबस्त कर सकते हैं, वो भी ज़रूर आगे वीडियो में शेयर करते रहूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए अभी ऊपर चढ़ के देखते हैं मैंने जो नया थर्मोकॉल लगाया वो किस तरह से मैंने हम लोगों ने सेट किया है। तो गाइस देख सकते हैं ये साइड हम लोगों ने थोड़ा सा थर्मोकॉल दे के कवर अप किया है, कि अभी देखते हैं कैसा काम हो रहा, अंदर जो है अच्छा खासा ठंडा मिल रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है। उतना अच्छा हीट अंदर नहीं आ रहा है उतना अच्छे से, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रह रहा है अंदर ये जो रूम है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा ठंडा रह रहा है। तो अभी सोच लिए हैं कि इसको पूरा जो है हम लोग थर्मोकॉल ही पूरा बिछा देंगे, जो कि बिचाली से ज़्यादा अच्छा हम लोग को काम कर रहा है। तो फिर जब भी विंटर आएगा तो फिर हम लोग सारे थर्मोकॉल को उठा के रख देंगे, अभी गर्मी भर पूरा समर सीज़न हम लोग यहाँ पर थर्मोकॉल लगा के रखेंगे। और गाइस अभी देख सकते हैं रोहित और हमने मिलके अच्छा से पूरा ऊपर ग्रीन नेट कवर अप कर दिया है ये छत के ऊपर, ठीक है। और इस तरह से इधर भी पीछे भी पूरा अच्छा से कवर अप कर दिया, ताकि ऊपर से मतलब पीछे से जो धूप आता था बर्ड्स को वो एकदम आना बंद हो जाएगा, और बर्ड्स काफ़ी अच्छा से ठंडा भी रहेगा, अंदर भी ठंडा रहेगा, बर्ड्स काफ़ी अच्छे से भी अंदर रह पाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं अंदर भी देखिए काफ़ी अच्छा माहौल हो गया, वाह फ्रेंड्स। गर्मी में सिर्फ बर्ड्स को नहीं डॉग्स को भी देखिए ट्रीटमेंट का जरूरत है। और अभी ये हम लोग का गोल्डन रिट्रीवर पापड़ी, इसका अभी हेयर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए डॉग लोग के लिए आज नया ट्रिमर आ गया, तो इसी को अनबॉक्स करके पापड़ी के ऊपर ट्राई हो रहा है, सारे पापड़ी का ऊपर का थोड़ा थोड़ा बाल हम लोग काट ले गए। और इधर ये लोग तो शॉर्ट कट के पॉली, और इधर पीछे पीछे सबसे ज़्यादा गर्मी इसी को लगता है, क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर और गोल्डन रिट्रीवर का फार देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए इसका ही फार को अभी हम लोग कम करने वाले हैं, ताकि गर्मी भर ये अच्छा से रह पाए, उसके बाद फिर विंटर सीजन में इसका फार फिर से निकल आ जाएगा। गोल्डन रिट्रीवर का कोट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, घना है, इसीलिए इसको हम लोग अभी क्लीनिंग करके कम कर रहे हैं।
ताकि गर्मी में इसको थोड़ा सा राहत मिले और फिर से विंटर का टाइम फिर इसका जो है फिर से निकल आएगा। इधर देखिए पूपी भी गुस्सा कर रहा है क्योंकि इसको ट्रिम कर रहा है और इसको नहीं, सब चीज़ जो जो चीज़ पापड़ी को किया जाएगा उसको पूपी को भी करना होगा, इसलिए देखिए और यहाँ पे सारे बाल को, यहाँ पे पापड़ी का सारे कोट को मतलब हेयर को सबको रखा जा रहा है जमा करके। मत कभी देख सकते हालत क्या किया है, देखिए कितना अच्छा से बैठ के पापड़ी जो है अपना ट्रिमिंग करवा रही है, बाल का अपने हेयर का जो है ट्रिमिंग करवा रही है। तो सिर्फ हम लोगों को नहीं, अभी इन बर्ड्स को और इन डॉग को भी मतलब गर्मी में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी सबको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अच्छा रखे गर्मी भर सबको, कैसे कितना अच्छा से ट्रीटमेंट हम लोग कर पाए, कितना अच्छा से केयरिंग करके रख पाए, बस इसी का प्रिकॉशन चल रहा है। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कल जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ग्रीन नेट वगैरह लगा दिए थे अजेरी के ऊपर, देख सकते पूरा अच्छा से हम लोग चारों तरफ ग्रीन नेट लगा दिए, तो आज देखिए धूप है बाहर लेकिन अजेरी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होकर रखा है और इतना ज़्यादा धूप भी अंदर नहीं आ रहा है, बट काफ़ी अच्छा से आज बिल्कुल भी हाँप नहीं रहे। कुछ दिन पहले तक तो बहुत ज़्यादा हाँप रहे थे, मतलब जोर जोर से मुँह खोल करके सांस ले रहे थे, आज तो एकदम काफ़ी एकदम सब बर्ड नॉर्मल है। और देखिए सब बर्ड अभी आया है, सब बर्ड अभी सुबह का नाश्ता कर रहा है देखिए। और अभी हम लोग गर्मी में जो मेन चीज़ जो हम लोग का मेन सबसे चीज़ है गर्मी में वो है ये गन्ना, शुगर कैन, केतारी जिसको बोला जाता है, या फिर शुगर कैन बोले या फिर गन्ना बोले जो भी बोल सकते हैं, ये है सबसे मेन, ठीक है। ये बर्ड्स को हम लोग डेली प्रोवाइड करते हैं, समर सीज़न में डेली हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक दिन भी हम लोग इसको मिस नहीं करते हैं और इसी की वजह से बर्ड्स का जो है कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट्स का प्रॉब्लम नहीं आता, सारे बर्ड्स जो है काफ़ी अच्छा से खाना भी खाते हैं, हम लोग का डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है, पेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है और गर्मी के हाथ से सबसे मेन जो चीज़ है गर्मी के हाथ से भी बचाता है बर्ड्स को, ठीक है। और आज में तो फिर मैंगो भी आ गया, आज पका हुआ मैंगो मिल गया, अंगूर मिला है, ठीक है, तरबूज मिला, वाटरमेलन, काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ मिल गया है और सारे बर्ड्स देखिए कितना अच्छा से अभी खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो है आप भी अपने बर्ड्स का ध्यान रखिए गर्मी में, ठीक है, और अच्छे अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोवाइड करिए, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, शुगर कैन हो गया, गन्ना, ये सब प्रोवाइड करिए, इसमें बहुत सारा पानी रहता है, समर सीजन के लिए काफ़ी बेस्ट एक फ्रूट है वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन और शुगर कैन, तो ये सब अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करिए। और जो है फ्रेंड्स इसी तरह अपने सारे बर्ड्स को समर में, विंटर में, हर एक सीजन में अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से अपने बर्ड्स का केयरिंग करिए, जो चीज़ करने से आपको राहत मिल रहा है समर सीजन में वो चीज़ आप बर्ड्स के लिए भी करिए, ठीक है। तो देखिए आपका बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। मैं भी वही करता हूँ, जो चीज़ ह्यूमन मतलब हम लोग के लिए जो चीज़ अच्छा रहता है सही रहता है वो चीज़ मैं बर्ड्स को भी प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो उसको कलेक्ट करने में थोड़ा सा मुझे मेहनत ज़रूर लगता है थोड़ा, लेकिन वो एक्चुअली वो बहुत अच्छा काम भी करता है। और हाँ फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गया हूँ, और वो है यहाँ पे मैंने जो पानी प्रोवाइड किया था सुबह को, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक बड़ा सा बर्तन में हम लोग सुबह को एवेरी में पानी प्रोवाइड करते हैं और सारे बर्ड्स को ब्रीडिंग सेटअप में तो छोटा छोटा बाटी में जाता है, ठीक है, इन लोगों में सुबह को जो है मतलब अभी गर्मी का सीजन में जो मैं वाटर प्रोवाइड करता हूँ उसमें इलेक्ट्रॉल, ORS वगैरह ये सब जो पाउडर आता है ना पाउडर फॉर्म में, ये सब मैं ऐड करके उसके बाद ये वाटर में पानी में प्रोवाइड करता हूँ। इसमें क्या होता है, इतना डेंजर गर्मी को सहने के लिए थोड़ा सा शक्ति उन लोगों को जरूर मिलता है और काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स जो है डिहाइड्रेट होने से बचता है, काफ़ी अच्छा बर्ड्स जो है डिहाइड्रेट होने के हाथ से जो है बचता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉल या फिर ORS का जो पाउडर है वो अगर नहीं मिल पा रहा तो आप नॉर्मली जो है ग्लूकोन्डी जो होता है वो ग्लूकोन्डी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो मैं ये सारा चीज़ प्रोवाइड करता हूँ इसी तरह से, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस इसी तरह से नेचुरल जो हम लोग को करने से अच्छा मिलता है, राहत मिलता है, मैं वो सब चीज़ बर्ड्स के लिए ज़रूर करता हूँ। और अभी मैं अभी में वीडियो बना रहा था, जस्ट इसके ऊपर ही ऊपर ये जो बॉक्स लगा हुआ है ना, इस बॉक्स के ऊपर ही हम लोगों को मतलब वहाँ से कुछ चिक्स का आवाज़ मिल रहा है,
वहाँ से जो चुक कुछ आ रहा है ये वाला बॉक्स से, ठीक है। तो अभी इसको चेक करेंगे, इसलिए मैंने रोहित को भेज दिया था सीढ़ी लाने के लिए, और रोहित अभी सीढ़ी लेके हाजिर भी हो चुका है। तो अभी इसको चेक करना, देखते हैं इसके अंदर इस चीज़ का कौन सा बर्ड का ब्रीडिंग हुआ है। एक फोल्डेबल सीढ़ी है, और अभी हम लोग सीढ़ी यहाँ पर सेट कर रहे हैं ताकि इस बॉक्स तक पहुँच पाए। और एवियरी में तो काफ़ी सारा बॉक्स है, ठीक है, इन सब में बर्ड्स जाता है, लेकिन ये बॉक्स और ये बॉक्स, इन दोनों में, ये वाला बॉक्स में तो मॉन्ग पैरट ने कब्जा करके रखा हुआ, देखिए देख सकते हो उसके ऊपर मॉन्ग पैरट बैठा हुआ, इसमें तो किसी को आने जाने भी नहीं देता। और इस वाले में हम लोग ने उतना अच्छा से नोटिस नहीं किया, और अभी इसलिए रोहित को भेज रहे कि जाओ रोहित चेक करो इसके अंदर से किस कौन सा चीज का जो है आवाज़ आ रहा है। है ठीक है, अरे क्या चीज़ का चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे फ्रेंड्स देख सकते हैं एवेरी में भी ब्रीडिंग हुआ है, सोच ही नहीं सकते ये बात कि एवेरी में भी इसका के को बच्चा है, एक ही है, अंडा भी है फटाइल अंडा, तो छोटा कोनियर का अंडा, हाँ ये तो स्मॉल कोनियर का अंडा है, लेकिन बर्ड का चीज़ का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, निकालो तो चीज़ को, हाँ इसको चेक करो देखो फर्टाइल है कि नहीं, नहीं ये फर्टाइल नहीं है, खराब हो चुका है ये, ठीक है इसको दे दो, एग्स को दे दो हमें, और वो चिक्स को निकालो, देखो वाह फ्रेंड्स ये तो सन कुनर का चिक्स है, येलो फाइल जा रहा था, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये तो सन कुनर का चिक्स लग रहा है, लेकिन उसमें जो एग्स है वो स्मॉल कुनर का, जैसे येलो साइड पाइनएप्पल का एग लग रहा था, लेकिन ये चिक्स जो है ये तो सन कुनर का चिक्स है। वाओ एवेरी में भी ब्रीडिंग हो सकता है ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, लेकिन जो चिक्स थोड़ा सा वीक है देख सकते फ्रेंड्स, चिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, उतना अच्छा से इसको फीडिंग नहीं मिला है इसी वजह से, नहीं तो चिक्स का ग्रोथ अभी और ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको जो है हम लोग हैंड फीडिंग पे उठा लेते हैं, ठीक है, इसको अभी यहाँ पे रखना थोड़ा सा मतलब रिस्की हो जाएगा, और इसीलिए सुबह से बहुत ज़्यादा जोर जोर से आवाज़ आ रहा था, और काफ़ी दिन से आवाज़ आ रहा था, हम लोगों ने उसमें नोटिस नहीं किया, आज सडनली सुबह वीडियो बनाते टाइम हम लोगों को ये चीज़ मतलब रोहित को ये चीज़ लगा कि एवेरी में जो है बॉक्स के अंदर से कुछ चिक्स का आवाज़ आ रहा है, इसीलिए हम लोग ने जाके निकाला तो ये चिक्स निकला है। वाओ एवेरी में भी ब्रीडिंग हो सकता है ये फर्स्ट टाइम। चलिए फ्रेंड्स इसको लेके चलते हैं ब्रूडर में, इसको फिट कर देंगे, अभी काफ़ी नन्हा सा है,